वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों, वैसे तो आपने मेरे चैनल पे क्षेत्रफल से रिलेटेड काफी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो कुछ थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? तो देखिए, यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे एक वीडियो पे कमेंट किया कि सर, आप किसी ऐसी जमीन या प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सिखाइए जिसमें जमीन की लंबाई और चौड़ाई में फुट के साथ साथ इंच भी हो। तो आज उनकी हम इसी क्वेरी को सॉल्व करने आए हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक प्लॉट है जिसकी पीछे से चौड़ाई है 24 फीट 3 इंच, आगे से इसकी चौड़ाई है 25 फीट 7 इंच, एक तरफ से इसकी लंबाई है 40 फीट 4 इंच और दूसरी तरफ से इसकी लंबाई है 49 फीट 6 इंच। तो देखिए, जब भी हम जमीन खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो भी है, हमें किस तरीके से चूना लगाते हैं पहले हम उसको समझेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे बिल्कुल अलग तरीके से, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, ये ना तो आयत बनना, आयत का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, ना ये वर्ग बन रहा है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और आयत की दो भुजाएं आमने सामने की समान होती हैं और दो भुजाएं एक तरफ की समान, दो भुजाएं एक तरफ की समान, तो वो आयत हो गया। लेकिन ना तो ये वर्ग है ना ये आयत है, तो यहां पर हम औसत लंबाई और औसत चौड़ाई लेकर क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। या एक सही तरीका, सटीक तरीका का तो ये है, आप क्या करेंगे, जब भी आप इस तरीके के प्लॉट हो आपके पास, आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस कोने से और इस कोने तक आप क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे, यानी कि यहां से माप कर लेंगे ये कितनी माप है, ठीक है। इस तरीके से यहां से यहां तक कितनी माप है, दो त्रिभुज हो जाएंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, पॉइंट टू पॉइंट, डिजिट टू डिजिट। लेकिन अच्छा, जमीन तो अब हमारे पास यहां पर नहीं है, हम एक औसत तरीका निकालते हैं लगभग लगभग हमारी जमीन का क्षेत्रफल क्या होगा। लेकिन जब आप जमीन के पास है तब आप ये तरीका अपनाएंगे, वहां पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है, जमीन की सही माप होगी। तो देखिए कैसे आप धोखे में आ जाते हैं ये समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसमें हम औसत लंबाई और औसत चौड़ाई लेकर क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इस प्लॉट की क्या है, औसत लंबाई निकालेंगे। पहले औसत लंबाई कैसे निकालेंगे, 40 फीट 4 इंच 49 फीट 6 इंच, 40 फीट 4 इंच प्लस 49 फीट 6 इंच डिवाइड बाय 2, ठीक है। 40 फीट 4 49 दशमलव 6 और 40 दशमलव 4 कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 90 बट्टे 2, 2 से एक बार गया, 2 से 45 बार गया, तो ये हो जाता है 45 फुट औसत लंबाई। इसी तरीके से हम औसत चौड़ाई निकाल लेते हैं, औसत चौड़ाई क्या होगी भाई हमारे प्लॉट की, तो देखिए औसत चौड़ाई में 24 फीट 3 इंच, 24 फीट 3 इंच प्लस 25 फीट 7 इंच, 25 फीट 7 इंच यानी कि 24.3 25.7 बट्टे 2, ठीक है। यहां पर हम जोड़ लेते हैं, तो देखिए 25.7 और दशमलव 3 इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 26, 26 और 24 हो जाएगा 50, यानी कि 50 बट्टे 2, 2 से एक बार गया, 2 से 25 बार कट जाएगा 50, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है हमारा 25 फुट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस जमीन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए जमीन या प्लॉट का क्षेत्रफल, जमीन या प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पर हम लिख लेंगे औसत, क्योंकि हमने औसत लिया है तो औसत लंबाई गुणा औसत चौड़ाई, ठीक। औसत लंबाई कितनी थी, 45 फीट, ठीक है। औसत चौड़ाई कितनी आई, 25 फीट, तो यहां पर हम गुणा करा लेते हैं 25 का 45 में, 25 पंजे 125, 12 हासिल आ गया, 25 चौक 100, 100 और 12 112, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1125 वर्ग फुट, ठीक। अब इसी जमीन को हमें वर्ग गज में बदलना है, तब आप क्या करेंगे, 1125 में भाग लगा देंगे 9 से, ठीक है। तो यहां पर हम 1125 में भाग लगा देते हैं 9 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 125 वर्ग गज। अच्छा, ये जो आपने क्षेत्रफल निकाला या उन्होंने आपको बता दिया कि आपकी जमीन 125 वर्ग गज है, क्या ये सही है, ये सही नहीं है, उन्होंने तरीका जो अपनाया बिल्कुल गलत है,
ये बिल्कुल तरीका गलत है। अब सही तरीका क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप ये देखिए आपकी ऊपर से जमीन की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 24 फिट 3 इंच। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा भाई 1 फुट बराबर क्या होता है, 12 इंच। ये हमारा यूनिट कन्वर्टर है, ठीक है। तो आप ये देखिए ये 24 फिट 3 इंच है ना, ये 24.3 नहीं है। आप सबसे पहले इस 3 इंच को फुट बना दीजिए, ठीक है। क्या उसके लिए आप क्या करेंगे, इंच को फुट बनाने के लिए आप इंच में भाग लगा देंगे 12 से। इन सभी इंच में 4 इंच, 6 इंच, 7 इंच, इन सभी इंच में भाग लगाएंगे किससे, 12 से। आपके ऊपर की जो चौड़ाई है जमीन की वो फुट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कैसे, जो हम 3 में यानी कि इस इंच में भाग लगाते हैं 12 से, 3/12। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 24.25, ये आया फुट भाई। ये हो गया पूरा सही, 24.25, ठीक। अच्छा 25 फुट 7 इंच, सेम यहां पर भी 7 में भाग लगाएंगे 12 से। तो 7 में जब हम भाग लगाते हैं 12 से, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है 0.5833 करके हो रहा है, तो 0.58 ले लेंगे, यानी कि 25.58 फुट, ठीक है। ये यहां से यहां तक ये एक्चुअल चौड़ाई आई है आगे से। इसी तरीके से ये है लंबाई 40 फिट 4 इंच, सेम यहां पर भी 4 में आप भाग लगा देंगे 12 से, तो यहां पर आ जाएगा 0.33। इसका मतलब 40.33 फुट, ये हुआ एक्चुअल लंबाई, एक्चुअल है, ठीक है। अच्छा सेम इसी तरीके से 49 फिट 6 इंच है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 6 में जब आप भाग लगाएंगे 12 से तो आ जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 49.5 फुट, ठीक। ऐसे ये भी एक्चुअल आ गया। बस आपको यही वैल्यू यहां पर रखनी है, आपका क्षेत्रफल बिल्कुल सही आ जाएगा, सेम यही वैल्यू रख देनी है। तो ऊपर क्या था, 40.4 + 49.6 था ना, अब हम क्या कर देंगे, 40.33, क्या कर देंगे, 40.33, ठीक। अच्छा 49.6 था ना, तो 49.50 कर देंगे इसको, 49.50 अब करेंगे टोटल, अब आएगा सही, ठीक है। इसको यहां से रफ कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 40.33 और 49.50, आंसर निकालते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, 5, 3, 8.9 का 9 आ गया, 4, 4, 8, तो यहां पर हो जाता है 89.83/2। भाग लगा देते हैं, तो देखिए 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 हो गया, एक इधर चला गया, तो ये हो जाएगा 18, यानी कि 2 9 18, 2 एकम 2, फिर एक इधर आ गया, तो 2 5 10, यानी कि 40.915 फुट, ठीक है। ये हो गया औसत लंबाई, वो भी एक्चुअल, ठीक। इसी तरीके से हम औसत चौड़ाई निकाल लेते हैं, 24.3 नहीं है वो, 24.3 नहीं है, अब ये क्या हो गया, 24.25, 24.25, सही है। अच्छा इधर से इसकी चौड़ाई 25.7 है ना, 25.7, ये भी नहीं है, सही क्या है, 25.58, 25.58, ठीक है। यहां से इसको भी हम रफ कर देते हैं और यहां से इसको, ठीक। तो 8 5 13, एक हासिल गया, 5 6 6 और 2, 8 दशमलव लगा लिया, ठीक है। 4 और 5 9 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, यानी कि 49.83/2। भाग लगा देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, दशमलव लगाया, 2 9 18, 3 आ गया, 2 एकम 2 और 2 5 10, तो यहां पर ये भी हो गया हमारा, यानी कि औसत चौड़ाई आ गई, जो सही औसत चौड़ाई है वो कितनी आ गई, 24.915, ठीक है। अच्छा अब जमीन का जो क्षेत्रफल है, प्लॉट जमीन का जो क्षेत्रफल है,
सही निकाल लेंगे, औसत लंबाई गुणा औसत चौड़ाई। तो यहां से हम अब इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, औसत लंबाई कितनी निकली थी? जो सही औसत लंबाई है वो है 44.915 गुणा औसत चौड़ाई कितनी है जो एक्चुअल है सही, वो है 24.915, ठीक है। औसत लंबाई का औसत चौड़ाई से हम गुणा करा देते हैं और अपना क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 44.915 गुणा 24.915, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1119। क्या आया है? सही है जो 1119.057 वर्ग फुट। अच्छा देखिए, जब उन्होंने आपको क्षेत्रफल निकाल के बताया कितना आया था 1125, और आपने इसके पैसे भी दे दिए, आपने सोचा भाई मेरी जमीन मुझे पूरी मिल गई 125 वर्ग गज, जबकि जमीन तो कम है ना। जब इसको हम वर्ग गज में बदलते हैं भाई तो क्या आता है? तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1119.057, 1119.057 का हम भाग लगा देते हैं किससे? 9 से, ठीक। तो 1119.057 का हम भाग लगाते हैं जब 9 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 124.33 वर्ग गज। तो देखिए, यहां पर आपकी जमीन जो उन्होंने बताई 125 वर्ग गज, लेकिन आपकी जो सही जमीन बैठ रही है वो कितनी बैठ रही है? 124.33 वर्ग गज, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर्स वाले हैं जो कि आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं। तो जब भी आप जमीन खरीदे, फुट में होगी इंच में होगी, तो आप उसको अपने तरीके से बदलिए, ठीक है। आप क्या करेंगे? इंच को पहले फुट में बदलेंगे, ठीक है। उन्होंने बता दिया 24.3, वो बोलना 24.3 नहीं है, वो 24 फुट 3 इंच है, और इंच को आपको फुट बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर कितना अंतर है, कितने वर्ग फिट का अंतर आ गया? यहां पर 6 वर्ग फिट का अंतर आ गया, 6 वर्ग फिट का। जो हमारा सही आंसर है वो ये है, और ये कैसा आंसर है? ये गलत है। 1125, 6 वर्ग फिट जमीन बहुत होती है, मतलब 2 फिट ऐसे और 3 फिट ऐसे, 2 बाई 3, ठीक है, 2 3 6। तो देखिए ये गलत है, ये सही है। अब आप समझ गए होंगे कि हम जमीन, अगर हमारी प्लॉट या जमीन अगर फुट और इंच में दे रखी है, तब हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।